हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। सबसे पहले दोस्तों हमें टमाटर ले लेना है। मैंने यहाँ पे टमाटर 2 पीस लिया है और इसे अच्छे तरीके से हमें पहले धो लेना है 3-4 पानी से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से टमाटर को धो लिया है। अब हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून सरसों का ऑयल अच्छे तरीके से टमाटर के ऊपर लगा देंगे, ताकि जब हम इसे भून कर तैयार कर लें तो इसका ऊपरी हिस्सा जो स्किन है वो आसानी से निकल जाए। तो इसलिए इसके ऊपर पहले ऑयल लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों टमाटर के ऊपर ऑयल को अच्छे से लगा दिया है। दोस्तों आज की फुल रेसिपी देखने के बाद मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टमाटर में अच्छे से ऑयल को लगा दिया है। दोस्तों अब हमें गैस के ऊपर एक स्टैंड रखना है। दोनों टमाटर को गैस के ऊपर रखकर अलट पलट करते हुए इसे हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम एकदम धीमा करना है, तभी ये आपके टमाटर अच्छे तरीके से भुनेगी और अंदर तक गल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, करीबन 2 मिनट हो चुकी है, टमाटर अच्छे तरीके से भून चुकी है। हमें गैस ऑफ करना है और 1 मिनट के बाद ही टमाटर को बाहर निकालना है, क्योंकि इस वक्त टमाटर बहुत ही गर्म है। तो हमें केयरफुल होकर टमाटर को एक प्लेट में निकालना है। यहाँ पे मैंने टमाटर को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके छिलके को निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर गए हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और टमाटर की चटनी खाना किस किस को पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने दोनों टमाटर के छिलके को अच्छे से निकाल लिया है और अब हम इसे पानी से धो लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसके छिलके हैं वो अच्छे से धुल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों टमाटर को पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। तो दोस्तों आपके पास अगर ग्रेटर है तो उससे आप ग्रेट कर सकते हो, या फिर आपका दिल चाहे तो मिक्सी के जार में दोनों टमाटर को डालकर पीस सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाथों से ही दोनों टमाटर को अच्छे से मैश कर दिया और ये बहुत ही अच्छे से गल गया है, अंदर तक ये अच्छे से गला है। तो दोस्तों टमाटर की प्यूरी रेडी है। अब हमें एक हरी मिर्च को अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो दोस्तों तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसे एकदम ही बारीक कट करना है। लहसुन की कलियां ज़रूर ऐड करना दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चटनी का। अब हमें टमाटर की प्यूरी के अंदर हरी मिर्च कटे हुए डाल देनी है और लहसुन की कलियाँ जो मैंने 3 से 4 लिया था उसे हमें डाल देना है। तो लहसुन की कलियां यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें प्याज ऐड करना है। प्याज एकदम मैंने बारीक कट किया है, तो प्याज आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना। प्याज मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है। मुझे इस चटनी में प्याज का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा ऐड किया है। आपका दिल चाहे तो प्याज आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें दोस्तों फ्रेश हरे धनिया पत्ते ले लेने हैं, इसे भी हमें काट कर इस चटनी के अंदर डाल देना है। तो प्याज, मिर्च, लहसुन और धनिया पत्ते ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपका दिल चाहे तो अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना और इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अब हमें स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड करनी है। अब हमें 3 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ऐड करना है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप सरसों का ही ऑयल ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चटनी का। तो मैंने यहाँ पे भरकर 3 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को टमाटर की प्योरी में मिला लेनी है। जब आप ये चटनी खाओगे ना दोस्तों, आप उंगलियां चाट चाट कर खाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से टमाटर की प्यूरी में मिला लेना है। ठंड के मौसम में ये चटनी अक्सर बहुत ही ज़्यादा बनती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर के अंदर सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लिया है और सभी चीज़ें अच्छे से टमाटर में मिल चुकी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सुपर यम्मी सुपर टेस्टी हमारी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार ये टमाटर की चटनी बना लिया ना, तो उंगलियां चाट चाट कर खाओगे और हर बार बस इसी तरीके से बनाओगे। आपका दिल चाहे तो इस चटनी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खाना पसंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चावल के साथ, केवल चटनी के साथ इसे खाना पसंद करती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है केवल चावल के साथ इस चटनी को खाने में। और जब भी ये चटनी बनती है, तो मुझे कोई भी दाल या सब्ज़ी या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगे, तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।